वेलकम दोस्तों, एक एच बेस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक हमारा कैसेट एसी है, कैसेट एसी का ये कंप्रेसर है। हमने कंप्रेसर को जब इसमें आया चेक करने थे, यहाँ तक देखा है कि कंप्रेसर में पूरा पानी ही चला गया है, यानी पूरा अंदर कंप्रेसर के अंदर पूरा वाटर है, ये वाटर चला गया है। और इसका पूरा ग्राउंडिंग भी दिखा रहा था कि कंप्रेसर ग्राउंडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसका जो MCB था वो ट्रिप हो जा रहा था। तो इस कारण हमने इस आउटडोर को चेक किया, आउटडोर पर ये देख सकते हैं एक्यूमुलेटर है। तो हमने कंप्रेसर को क्या किया कि ब्रेजिंग करके उसको निकाला। तो जी में ब्रेजिंग करके निकाला, ब्रेजिंग करने के बाद से थोड़ा कंप्रेसर को देखा गया तो कंप्रेसर में से पूरा पानी ही पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कंप्रेसर में पानी आ गया है, देखिए कितना पानी है इसमें। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा पानी और इतना कंप्रेसर में कैसे गया है, कितना गया है? आपने कभी अगर देखा भी होगा तो कैसे क्या होता है अगर कंप्रेसर में पानी चला जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उसको सही करेंगे, क्या करते हैं, या कंप्रेसर को नया चेंज करना? तो यहाँ पर हमें कंप्रेसर को नया ही चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये ग्राउंडिंग भी हो गया है, इसलिए हमें इसे देखिए कितना ये इसमें पानी आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि इस कंप्रेसर में वाटर कहाँ से गया होगा, कैसे चला गया होगा। अगर आपको इस बारे में ना जानकारी होगी कि वाटर इसमें कंप्रेसर में कैसे जा पानी जा सकता है कंप्रेसर में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा नंबर ये देखिए, हमने एक्यूमुलेटर को भी निकाला, एक्यूमुलेटर में भी देखिए कि कितना इसमें पानी आ गया है। वाह, कितना वाह, देखिए देखिए इसमें कितना पानी आ गया है, पूरा एक्यूमुलेटर ही पूरा फुल हो गया है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हमने तो कभी अभी तक साइट पर नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने भी इतना देखा कि ऐसे कंप्रेसर एक्यूमुलेटर में इतना पानी आया। अगर आपने भी कहीं पर देखा हो गया, अगर आप भी कहीं काम करते होंगे साइट पर, किसी भी AC HVAC में कहीं भी कंप्रेसर आपने रिप्लेस किया होगा, अगर ऐसा कंडीशन आया होगा तो आपने क्या किया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं। तो हम इस पूरे एक्यूमुलेटर को भी निकाल दिए, एक्यूमुलेटर का निकाल को इसको अलग कर दिए। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंप्रेसर को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा देने का मतलब क्या होगा कि वहाँ से हम लोग कंप्रेसर को निकाल देंगे। अब कंप्रेसर को निकालने के बाद से पूरे आउटडोर का, इनडोर का जितने भी हमारी पाइपिंग होती है, जितनी भी पाइपिंग होती है, सभी पाइपिंग में काम क्या करेंगे, फ्लश आउट करेंगे। फ्लश आउट का मतलब क्या होता है कि हम नाइट्रोजन गैस जो होती है, उस नाइट्रोजन गैस से हमें सक्शन लाइन से या डिस्चार्ज किसी सक्शन लाइन में हमको उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते हैं, यानी नाइट्रोजन प्रेशर डालते हैं। तो आप नाइट्रोजन प्रेशर डालकर जब पाइप को आप अच्छे से उसको वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम का मतलब उसको अच्छे से आप दबा कर रखेंगे, तो आपको फ्लश के आवाज़ आएगी, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और जिससे जैसे आप नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर जी ही बढ़ेगा। इस पूरे आउटडोर के जितने भी पाइप है, हमारे कंडेंसर से निकलते हैं, जितने भी हम देख सकते हैं, हमें नाइट्रोजन के प्रेशर को हल्का हल्का से ओपन करते हैं, फिर से हम उसको बढ़ाते हैं। ये नाइट्रोजन का प्रेशर आपको डालना पड़ता है फ्लश आउट करने के लिए। जब भी आप फ्लशिंग करेंगे, फ्लश आउट करेंगे, तो आपको नाइट्रोजन का प्रेशर थोड़ा सा डालना पड़ेगा। ये आउटडोर का ही हम बता रहे हैं, इसमें हल्का हल्का सा आपको इंक्रीज करेंगे। जी इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा, जो प्रेशर बढ़ेगा तो आपको अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से दबाव प्रेस कर दबाना है। जब प्रेस उतना तक आपको प्रेस करना है जितना तक आप कहने की क्षमता रख सकते हैं, आपको उतना अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको तुरंत हटा देना है। तुरंत हटाने से क्या होगा कि हमारे जितने भी अगर पूरे आउटडोर में जितनी पाइपिंग रहती है, पाइपिंग में अगर हमारे कहीं पर भी मॉइस्चर हो, वाटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर कुछ भी फंसा हुआ तो हुआ हो, चोक हुआ हो, वो सारी हमारी जब फ्लश आउट करते हैं तो निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें से देखिए कैसे निकल रहा है, जैसे लगता है कि हमारा पंप सेट मशीन रहता है उस टाइप से इसमें से पानी निकल रहा है। ये हमने पहली बार ऐसा देखा कि इतना पानी हमारे पूरे आउटडोर में, पूरे पाइपिंग में आया हुआ है, फर्स्ट टाइम ये है। तो आप देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे से हम लोग इसको फ्लश आउट करेंगे। फ्लश आउट कर तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको फ्लश आउट करेंगे। अब फ्लश आउट तब तक करना है कि जब तक इसमें से हमारा पूरा पानी हमारा बाहर ना आ जाए, जो भी हमारा वाटर है वो वाटर पूरा बाहर ना आ जाए। पूरे पाइपिंग के जितने भी वाटर होते हैं, कहीं पर भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, वो पूरा हमको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने समय हमें पूरा फ्लश आउट करना है। आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग इसको फ्लश आउट कर रहे हैं। अब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डालने के बाद पूरा प्रेशर करके फिर हम लोग हटाते हैं। जहाँ तक हम लोग देखिए इतना, जितना आप फ्लश आउट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सॉरी, तो फ्लश आउट करते रहना है आपको अच्छे से, फ्लश आउट करना है। और आप जितना हो सके उतना अधिक आप इसको प्रेस कर रखेंगे, प्रेशर बढ़ाएगा
उतना ही अच्छा सा आपको फ्लश आउट होता है, यानी जितने भी हमके अंदर के मॉइस्चर होंगे, जितने भी पानी वाटर, जितने भी हमारे डस्ट होंगे, इससे कुछ भी फंसा होगा, सब चीज़ हमारे फ्लश आउट, जब भी फ्लशिंग करते हैं तो हमारा सब बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन वो पूरा प्रेशर में पानी, जितने भी हमारे आउटडोर की जितने भी पाइपिंग रहती है उसमें सब में हमारा क्या नाइट्रोजन जाता है, नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये नाइट्रोजन का प्रेशर से हमारे प्रेशर के माध्यम से क्या होता है बाहर आ जाता है, सारी चीज़ें हमारे क्या होती है अंदर से जो भी रहती हैं वो सारी चीज़ें जब फ्लशिंग करते हैं तो हमारे बाहर आती है। ये आप देख सकते हैं कि छोटे वाले पाइप में जो भी हमारा डिस्चार्ज का सक्शन का है सब में हमको क्या करना है इसको फ्लशिंग करना है, पूरे अच्छे से फ्लशिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोग कितने देरी तक कितने टाइम तक इसको हम लोग फ्लशिंग किए, आप देख सकते हैं जो भी हमारा डिस्चार्ज का सक्शन का ये जो भी है, अब इसको छोटे वाले हम पतले वाले पाइप को भी उसको प्रेस करके रखते हैं, देख सकते हैं जितना भी हम प्रेस करेंगे जितना उसमें से पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग क्या कभी करते हैं तो जितना हम नाइट्रोजन ये देखते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर है हम लोग गेज के माध्यम से इसको कनेक्ट करके हम लोग लगाए हैं, ये सारी चीज़ें फ्लशिंग के लिए ही हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना इसमें से वेपर भी पानी वाटर का जितना है देख रहे हैं कितना निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पूरा अंदर तक इसको सोचिए पानी चला गया है और कैसे गया है पता नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट में कैसे इतना पानी जा सकता है हमारे कंप्रेसर एक्यूमुलेटर पूरे आउटडोर में, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इंडोर में भी गया होगा, तो हम लोग इंडोर को भी पूरा अच्छे से फ्लशिंग करेंगे जैसे हम लोग आउटडोर की फ्लशिंग कर रहे हैं, ठीक इसी तरह हमको उसको भी करना, देख सकते हो वाह फर्स्ट टाइम ये है इतना है, मुझे पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, अगर आप भी देखे होंगे तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या किया था कैसे क्या किया ये सब मुझे भी बता दीजिएगा, और ये हम लोग इसको पूरा आधे घंटे तक पूरा हाफ आवर से वन आवर्स तक इसको पूरा अच्छे से हम लोग फ्लशिंग किए हैं, फ्लशिंग हो जाने के बाद पूरा जब फ्लशिंग हो जाता है उसके बाद से आपको नए कंप्रेसर इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो एक्यूमुलेटर अगर है तो एक्यूमुलेटर चेंज करेंगे, नहीं तो एक्यूमुलेटर को डायरेक्ट लगाते हैं, जब डायरेक्ट एक्यूमुलेटर का लगा देंगे तो हमारा एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है कि वही एक्यूमुलेटर में अगर कोई भी कारण कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए ही लगाया जाता है कि डायरेक्ट हमारा जो भी वेपर या लिक्विड में जब होता है तो हमारा लिक्विड फॉर्म हमारा कंप्रेसर में ना जाए, इसलिए हम कंप्रेसर को डैमेज कर सकते हैं जब भी हमारा पानी वाला कंप्रेसर में जाएगा, इसलिए हम लोग एक्यूमुलेटर हम लोग एक्यूमुलेटर को यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि नया हमारे पास एक्यूमुलेटर नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पूरे अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, आप देखिए कितना हम लोग अच्छे इसको पूरा फ्लशिंग किए हैं, और इसको फ्लशिंग करते समय आपको जितना अधिक हो सके उतना अधिक फ्लशिंग करिए, उतना अच्छे से नाइट्रोजन को प्रेशर को होल्ड करिए, होल्ड करने के बाद आप प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद आप जितना सह सकते हैं आप अपने अंगूठे से अपने पंजे से हाथ से जितना उसको प्रेस करके दबाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपको, उतना ही आप देखेंगे उतने में से पानी आएगा, जितने भी वेपर रहेंगे जितने भी उसमें लिक्विड रहेगा वाटर रहेगा डस्ट होगा कुछ भी मॉइस्चर वॉइस्चर कुछ भी सब चीज़ बाहर आ जाती है फ्लशिंग के टाइम में, ध्यान देना चाहिएगा, तो आपको अच्छे से एकदम फ्लशिंग करना आना ही चाहिए कि फ्लशिंग कैसे करते हैं क्या क्या फ्लशिंग में होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लशिंग में क्या करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब भी हम ये सब आउटडोर का था सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं कैसेट एसी का ही है, मैंने आपको पहले में ही बताया ये कैसेट एसी का जो भी हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन का है उसको यहाँ से हमने खोल दिया है ओपन कर दिया है। अब सक्शन लाइन को जैसे हमने इंडोर में आउटडोर में किया ठीक इसी प्रकार हम डिस्चार्ज में इसमें डिस्चार्ज से भी करेंगे प्रेशर का नाइट्रोजन प्रेशर डालकर इसको भी हम लोग फ्लशिंग करेंगे कि जो भी हमारा इंडोर टू आउटडोर की जो भी हमारी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन की पाइप आई है वो भी हमारा अच्छे से फ्लशिंग हो जाए क्योंकि उसमें भी अगर वाटर है तो भी है। वाटर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ये एक्यूमुलेटर की जगह पर हम लोग एक्यूमुलेटर की जगह पर इसको क्या करते हैं कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटर का सक्शन डिस्चार्ज लाइन से जो भी हमारी लाइनें जाती हैं।